ये पूछ रहे थे बिना कार यहाँ पर खड़े हो, पेपर देने गए हैं, तो पेपर देने गए हैं, ये नहीं बता रहे थे। अच्छा, घर पर कोई नहीं है? मेरी कोई नहीं है, बस मैं थी और मम्मी पड़ोस को, पड़ोस में नहीं देखने बस यही पूछ। ये जो कल जो दो टीम को आई थी गाड़ियाँ, उसमें हमारे जो दो पड़ोसी हैं नेट वाले, इनको कुछ एक दो दरोगा जी थे, उसमें पुलिस वाले भी थे, सादा वर्दी में भी थे कुछ लोग, और दोनों भाइयों को रख के ले गई गाड़ी। पाकिस्तान से चार बच्चों के साथ आई सीमा हैदर के मामले में अब जांच एजेंसी ने सचिन मीणा के रिश्तेदारों को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों सचिन की बुआ के लड़के हैं, जिन्हें फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में उठाया गया। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस को इनके पास से 15 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए और साथ ही आधार कार्ड बनाने वाली डिवाइस भी बरामद हुई। अभी पुलिस इस मामले में ज्यादा खुलासा करने से बच रही है। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस ने सीमा के पास से बरामद पासपोर्ट, सीमा का पाकिस्तानी पहचान पत्र, बच्चों के पासपोर्ट समेत बरामद सभी दस्तावेजों को पाकिस्तान एम्बेसी को भेज दिया है, ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि सीमा पाकिस्तानी है या नहीं। वहीं दूसरी ओर जांच एजेंसियों को सचिन की बुआ के लड़कों के बारे में पता चला, जो बुलंदशहर में फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं, साथ ही सचिन और सीमा के मामले से जुड़े हुए हैं। इसी को लेकर टीमें बुलंदशहर पहुंची, जहां इन्हें देख अफरा तफरी मच गई। और ये जो कल जो दो टीम को आई थी गाड़ियां, उसमें हमारे जो दो पड़ोसी हैं नेट वाले, इनको कुछ एक दो दरोगा जी थे, उसमें पुलिस वाले भी थे, सादा वर्दी में भी थे कुछ लोग, और दोनों भाइयों को रख के ले गई गाड़ी में। क्या क्या नाम है उनके? उसका एक का पुष्पेंद्र मीणा है, एक का पवन मीणा है। कुछ पता चला क्यों ले गए? ये जानकारी नहीं है हमें, कौन थे वो लोग। जैसे बता रहे हैं, कुछ लोगों ने पूछा कि, तो उन्होंने ये बताया कि सीमा हैदर का मामला है या किसी और सचिन का मामला है? नहीं, इतनी कन्फर्म हमें नहीं है, बाकी सचिन बैठा था गाड़ी में। सचिन को ये लोगों ने देखा था यहाँ बाजार के लोगों ने। कैश वगैरह भी यहाँ से ले गए शायद, ये अनुमान है, ये सुनने में आया, बाकी देखा नहीं है, मैं तो दुकान पे बैठा था यहाँ पे। कंप्यूटर वगैरह या कुछ और? हाँ, उनके लैपटॉप कंप्यूटर ले गए, कब्जे में करके ले गए वो लोग। हाँ, मेरे कैमरे में पूरी फुटेज है। लगभग कितने बजे की बात है ये? एक लमसम 2 बजे की बात होगी, 2:30 बजे की। 2:40? हाँ, 2:40, 2:30 की, 2 बजे की। कितनी देर रहे होंगे यहाँ? ये करीब 20 मिनट रहे हैं, यहाँ पे रुके हैं। वहीं गिरफ्तार करने आई टीम ने सचिन के रिश्तेदार के घर में भी पूछताछ की। बताएंगे कि क्या बात हुई थी उनसे? ये पूछ रहे थे बिना कार मेरे यहाँ पर खड़े हो, मम्मी को पेपर देने गए हैं, तो पेपर देने गए हैं, ये नहीं बता रहे थे। अच्छा, घर पर कोई नहीं है? मेरी कोई नहीं है, बस मैं थी और मम्मी पड़ोस में नहीं देखने, बस यही पूछ रहे थे। मैं मम्मी के बात बुलाने गई, कुछ नहीं आ रही, उनसे रघुपुरा वाले सचिन को जानते हैं? मामा के लोग, तो वो आते रहते हैं यहाँ? ऐसा नहीं, नहीं है। कल थे वो यहाँ पर? कल आया था उनके साथ। कल वो कुछ बोले आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं। कितने लोग थे? आपको बता दें कि बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गंगावास गांव का रहने वाला विनय ही सचिन का फुफेरा भाई है। सचिन रघुपुरा का रहने वाला है और कभी कभी विनय के पास गांव में आता रहता है। कुछ दिन पहले भी वो विनय के पास आया था और उसने कंप्यूटर पर कुछ दस्तावेज तैयार कराने की बात विनय से कही थी, जिस पर विनय ने अपने जानकार जन सुविधा केंद्र चलाने वाले पुष्पेंद्र और पवन दोनों भाइयों से सचिन को मिलवाया। अब सचिन ने इन दोनों भाई से क्या काम करवाया, ये अभी जांच के घेरे में है। फिलहाल बुलंदशहर पुलिस या अन्य जांच एजेंसी इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि सीमा हैदर को भारत में अवैध रूप से आने के आरोप में 4 जुलाई को अरेस्ट किया गया था। उसके साथ सचिन को भी अवैध प्रवासी को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस बीच 7 जुलाई को दोनों को कोर्ट से बेल मिल गई थी। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ गौतम बुद्ध नगर स्थित रघुपुरा इलाके में सचिन के घर में रह रही है, लेकिन सीमा हैदर मामले में अभी जांच जारी है। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।